बार की बात है, एक गांव में एक लड़का रहता था। उस लड़के का नाम सौरभ था। सौरभ एक 21 साल का लड़का था। सौरभ के माता पिता का देहांत उसके बचपन में ही हो गया था, इसलिए वो अपनी नानी के साथ ही गांव में रहता था। सौरभ की नानी उससे बहुत प्यार करती थी और उसका माँ बाप की तरह ही ध्यान रखती थी। सौरभ भी नानी से बहुत प्यार करता था। नानी ने कभी भी सौरभ को उसके माँ बाप की कमी महसूस नहीं होने दी। नानी को मोर मोरनी। एक दिन सौरभ अपनी नानी से पढ़ाई के सिलसिले में बात करता है। नानी माँ, मुझे अपनी पढ़ाई के लिए बाहर विदेश पढ़ने जाना है। अरे वाह बेटा, ये तो बहुत अच्छा सोचा तुमने। विदेश जाकर पढ़ेगा तो बड़ा आदमी बनेगा और अपनी नानी का नाम रोशन करेगा। नानी, मैं बहुत खुश हूँ आप मेरे इस फैसले से सहमत हो। मैं जल्दी ही यहाँ से जाने के लिए रवाना हो जाऊंगा। अरे इतनी जल्दी क्यों? अपनी नानी से ज्यादा जल्दी है तुझे दूर जाने की? नहीं नहीं नानी माँ, ऐसी बात नहीं। मुझे क्यों जल्दी होगी आपसे दूर जाने की? पर मेरी पढ़ाई भी तो जरूरी है ना। नानी सौरभ के इतने मनाने पर मान जाती है, बाहर उसे पढ़ने के लिए भेज देती है। ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। ही दिनों बाद सौरभ बाहर विदेश पढ़ने चला जाता है और नानी सौरभ के इंतजार में मुर्गा मुर्गी के साथ रहने लगती है। बहुत साल हो गए नानी सौरभ का इंतजार करती रहती है और सौरभ भी विदेश में मन लगाकर पढ़ाई कर रहा था और सौरभ भी नानी से मिलने के लिए उत्सुक था। अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, कमेंट करें।